बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अभ्यास के लिए ठीक है आशिता का आंसर आ गया प्रियंका का भी आ गया सानिया सलमा उर्वशी वर्मा वंशिका कुशवाहा माहिरा आप लोग देखिए परसेंटेज के चिन्ह के साथ बताइए तभी अच्छा है एक क्वेश्चन और है सात बटा पच्चीस को परसेंटेज में बदलिए ये आप लोग सभी जानते हैं है ना सबको पता है इसमें कुछ नया तो है नहीं ये आप लोग कर लेंगे मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों ने पढ़ा भी है आ? सब कर लेंगे चलिए ठीक है, है मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ूंगा साथियों इसमें दशमलव लगा है पहले दशमलव हटाएंगे तो दो अंक पर दशमलव है नीचे वन के बाद दो जीरो बढ़ जाएगा अब इसे परसेंटेज में बदलना है मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज में बदलते हैं तब उसे सौ से गुड़ा जरूर करते हैं वही परसेंटेज में आंसर होता है इसे सौ से मल्टीपल करेंगे पच्चीस बटा सौ को हंड्रेड से गुड़ा करेंगे अब ये सौ से सौ कैंसिल हो जाता है परसेंटेज का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है अन्यथा उत्तर गलत माना जाता है ठीक है रचना नेहा कुमारी सुप्रिया आकांक्षा गंगवार चांदनी वंशिका कुशवाहा माहिरा आदित्य धारिया चलिए सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करें आ, बहुत से कैंडिडेट कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो सब्सक्राइब नहीं करा है उसे कमेंट करने से रोक दिया गया है ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखें जिसे कमेंट कर पाए इनको भी वैसे कर लेंगे साथियों इसमें दशमलव तो है नहीं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सौ से मल्टीपल कर देंगे पच्चीस से कट जाएगा पच्चीस चौका सौ सात का दो में ये चार में गुड़ा हुआ अट्ठाईस परसेंट क्लियर इनको भी आप लोग करके बता दीजिए कितना आएगा शिल्पी केसरवानी जी बताइए कितना आएगा हम कोशिश करके बताइए कितना आएगा इनको आप लोग कर लीजिएगा ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जिससे कि आपको मेहनत ना करना पड़े बाद में आयुषी राजपूत जी गुड इवनिंग लेकिन क्लास का टाइम आप शायद नहीं जानती हैं तो रात के दस बजे से है और टाइम से आया करें हा हम्म से सुनिए ध्यान से सुनिए दो के जी का पंद्रह सौ ग्राम कितना प्रतिशत है कितना प्रतिशत है देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप लोग बेहोश हो सकते हैं इसमें समझ रहे हो बताओ कितना परसेंट है अरे भाई वो शिल्पी कोई दूसरा था आप शिल्पा है मुझे मालूम है चलिए आप टेंशन मत लीजिए एक है नाम के यहां कई महात्माएं जुड़ते हैं मतलब महान आत्माएं तो उन्हीं में से किसी को बोल दिया जाता है कितना आएगा देखिए इसमें सिंपल सा है साथियों एक केजी में दिया गया है एक ग्राम में दिया गया है पहला नंबर तो इन्हें एक ही राशि में करेंगे और एक राशि में होने के बाद हम इन्हें कुछ भी कर सकते हैं आइए यहां पे हल करते हैं दो केजी बराबर दो हजार ग्राम ये आप सबको पता है और ये पंद्रह सौ ग्राम ऑलरेडी दिया है पंद्रह सौ तो है ना परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे साथियों जो पंद्रह सौ है इसको सौ से गुड़ा करेंगे यही मैंने सिखाया था पूर्णांक जितना होता है टोटल उससे भाग करते हैं यही करते हैं ना भैया है एक जीरो से एक जीरो से दो सरका त्रिफरके से त्रिफरका दो से काट देंगे सेवनटी फाइव आएगा ठीक है यानी कितना परसेंट है पचहत्तर परसेंट है समझ रहे हो ना अगर आपके पास दो किलो लड्डू है बूंदी वाला और आपने बड़े प्यार मोहब्बत में अपनी फ्रेंड को डेढ़ किलो दे दिया कितना दे दिया डेढ़ किलो कितना था दो किलो आपने कितना परसेंटेज दे दिया उसको पचहत्तर परसेंट दे दिया कितना दे दिया पचहत्तर परसेंट जैसे अगर आपके पास दो हजार रुपया है और कोई बोले कि मुझे इसका पचहत्तर परसेंट दे दो हाँ होता नहीं लोग कहते नहीं अपनी कमाही का अपने जेब खर्चा का फलाना फलाना परसेंट हुआ दे दिया तो समझ रहे हो कि नहीं अगर कोई कहे कि अपनी जेब में जो दो हजार रुपए रखे उसका पचहत्तर परसेंट हमें दे दो तो इसका मतलब पंद्रह सौ रुपए दे दो लेकिन ये इतना आसान कहां है चलिए ठीक है अब ये बताइए जैसे ये तो मैंने कर लिया ठीक है हम्म ये तो कर लिया अगर यहां पर छोटा सा बदलाव कर दिया जाए एक हजार के तो कितना परसेंट हो जाएगा अब बताइए कितना परसेंट हो जाएगा जरा सोचिए बताइए बोलिए फटाफट बोलिए पहला नंबर तो यहां पे बुद्धि नाम का चीज लगाना ही नहीं है बिना दिमाग के बता देना है हाँ कोपड़ी बंद करके स्विच ऑफ करके देखिए ये दो हजार हो जा रहा है आपको पता है ये एक हजार ग्राम है मतलब दो किलो का एक किलो कितना परसेंट है आधा है पचास परसेंट है कितना है पचास परसेंट है ना हम्म आयुषी सबसे पहला जवाब बहुत अच्छे दीपेंद्र आशिता प्रिया ठाकुर सुप्रिया वेरी गुड आप लोग कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब ठीक है अब बताइए ईमानदारी से बताना बिल्कुल नहीं? पूरी ईमानदारी के साथ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बोलिए क्या है जैसे क्वेश्चन है तीन जीरो जीरो वन और फोर इसका गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा कोशिश करते रहिए फटाफट ट्राई करते रहिए कोई दिक्कत नहीं चलिए ठीक है साथियों बहुत अच्छे तो क्या करना था मैंने जो आंसर पूछा था सबसे छोटी भाज्य संख्या उसका आंसर फोर है सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है फोर है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो दो है ठीक है याद रखना हम लोग कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करना है क्वेश्चन करना है इनका आंसर कितना आएगा कोई बताया आशिता भाई ये हिंदी वाली गिनती समझ में कम आती है देखिए इसमें सिंपल सा है मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि दस अमलों को भूल जाइए पुरानी यादों को भूल के नए यादों में जीना शुरू कर दीजिए आइए कैसे इन सबका गुड़ा कर लीजिए दशमलव नहीं लगाना कहीं भी तो तीन चौक बारह आएगा ना इनको ऐसे लिख दीजिए अब यहां पर तीन अंक पर दशमलव था यहां पर एक अंक पर दशमलव था टोटल चार अंक पर दशमलो लगेगा फोर डिजिट पर पॉइंट लगेगा सही बोल रहा हूँ हाँ मैं गलत कब बोलता हूं तो यहां पर दो अंक है तो दो अंक और बना लेंगे ये समझ रहे हो इसके आगे ही सुनना लगा देते हैं वैसे फोकट में ये जो लोग पांच पांच जीरो लगा दे रहे ना एक में जैसे पंकजवा है एक थी देख रहे हो कमेंट जितना जीरो दब रहा है ना उतना दबा दे रहे ये सही नहीं है तो ये समझ गए ना आप लोग भाई समझ गए ना भैया चलो हाँ ये बताइए ऋचा ने अब कहो ऋचा का है रचना ले लो इसमें कोई जुड़ा है शायद मुझे लग रहा है रचना गई मार्केट मतलब बाजार ठीक है इन्होंने वहां से हल्दी खरीदा भाई बुरा नहीं मानना देखिए हम लोग सभी लोग मार्केट जाते हैं हा गरियाने लगो गरियाना नहीं रचना मार्केट गई चार रुपए पचहत्तर पैसे की हल्दी खरीदा ठीक है पांच रुपए का नमक खरीदा अब ये मत पूछना कौन सा नमक था क्वेश्चन समझना धनिया खरीद लिया साढ़े तीन रुपया का अब बताना पहले फाइनल में धनिया खरीदा साढ़े तीन रुपया का और सोलह रुपया पचास पैसा का तेल ले लिया क्योंकि तेल सबसे महंगा है सोलह रुपया पचास पैसा क्या ले लिया तेल और अगर और अगर रचना पचास रुपया लेके मार्केट गई थी तो ये बताओ कितना रुपया ईमानदारी से लौटा लेके आएगी ईमानदारी से ऐसा नहीं है कि होता नहीं कुछ मार्केट जाते हैं घर से पैसा लेकर के तो कुछ अपनों चट्टा पट्टा कर लेते हैं अलग से तो वो अलग बात है लेकिन सामान सामान की बात बताइए कितना लेके आएंगे पूरा सब्जी खरीद ली देखो मजा आ गई ना मजा ज्यादा लेते हो, पढ़ते कम कितना रुपए लेके आएगी भाई लुटा के बोलो देखिए ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़े भले ना लेकिन दुकान उकान पे जाना पड़ता है और पढ़े लिखे हैं सकल से लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं दुकानदार कहता है जोड़ लीजिए कितना रुपए बचा हाँ जोड़ लीजिए कितना रुपए बचा तो तुम दुकानदार का मुंह देखने लगे अंकल जी हाँ बताओ तो अंकल जी कहेंगे पढ़े लिखे तो लागत रही लेकिन पगल है लागत भाई तो इसलिए आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए पंकज बता रहे हैं कि साढ़े इक्कीस रुपया बचेगा सुप्रिया बता रहे है कि बीस रुपया पच्चीस पैसा बचेगा कमाल के हो भाई जितने लोग उतना आंसर सबका अलग अलग सबका अलग अलग पहले यह देखेंगे कि खर्चा कितना किया है वो हरदी नोन तेल धनिया मिर्चा खरीदने में तो चलो जोड़ लेते हैं यहीं पर जोड़ लो ना लास्ट लास्ट का डिजिट जोड़िए पांच तो पांचे हो जाएगा ठीक है सात पांच बारह बारह पाँच सत्रह हाफिल आया एक हासिल कितना आया एक इनके आगे सुनना लगा लो ठीक है अब छह एक सात सात तीन दस दस पांच पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस हासिल आया एक उन्तीस रुपया पचहत्तर पैसा खर्चा हुआ था कितना हुआ था उनतीस रुपये पचहत्तर पैसा खर्चा हुआ था ठीक है तो कितना खर्चा हुआ था उन्तीस रुपया पचहत्तर पैसा खर्चा हुआ था भैया था कितना पचास रुपया था है? पचास रुपया था इसमें से उन्तीस पचहत्तर घटा लीजिए जो लोग नहीं घटा पा रहे हैं, उन्हीं का गड़बड़ हो रहा है हम आयल एडी नहीं किया है हम कर रहे हैं तो ये कितना हो गया पच्चीस भाई इसको घटा लो चुप्पे से आ गया ना कितना चार में से दो गया दो इक्कीस रुपया पच्चीस पैसा सही आंसर है इक्कीस रुपया पच्चीस पैसा भाई सीधी सी बात है पच्चीस पैसा उसमें मिला तो वो तीस रुपया हो गया भाई गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब बीस होगा सॉरी बीस होगा बीस 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 होगा ये तो फिर इक्यावन रुपया हो जा रहा है कुल मिला के दोनों जोड़ने पर पचास आना चाहिए हुं? अगर ये पच्चीस पैसा हम इसको दे, दे दें तो यह तीस हो गया ये बीस सीधा फीदा ठीक है अब पच्चीस पैसा कौन कौन देखा है इसमें बोलिए यस पच्चीस पैसा का चार टॉफी मिलती थी हम लोग के जमाने में हम लोग ऐसे देखने में छोटे लग रहे हैं अस्सी साल के हो गए समझ रहे हो कि नहीं सोलह कंचा मिलता था कब जब हम लोग कच्चा पहन के उगारे घूमत रहे तब इतना याद है बस और बाकी कुछ नहीं याद है पहले का जानते हैं आप लोग इसका मतलब आप लोग भी पचहत्तर के हो गए चलिए ठीक है कुछ लोग नए नबीले जो होंगे उन्हें नहीं मालूम होगा यानी हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया अपनी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है है ना? पच्चीस पैसा की मिलने वाली चीज आज पच्चीस रुपए में मिल रही है क्यों काफी बढ़ोतरी हुई है काफी चीजें बढ़ी है ना हाँ चार आना तो आगे बढ़ते हैं अभी क्या क्या कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे मार्केट वाला एक क्वेश्चन और बताइए दस सेंटीमीटर में कितना एमएल सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर यम तो थोड़ा गड़बड़ा यमएम बताइए कितना दस सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर और एक लीटर में कितना डेका लीटर ये डेका हेक्टा पढ़ाया हूं मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं ना सोनीचा ब्लॉग जी राम 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 भले आ गया रहे भैया लड़का बच्चा ठीक कहाँ है मौज है सब ना चला दस सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर देखिए मैंने पढ़ाया था ना आ, मिली सेंटी डेसी मीटर डे का हेक्टो किलोमीटर ना तो मिली सेंटी यानी उसके जस्ट नीचे है और हमें क्या करना है ऊपर को जाना है यानी क्या होगा टन होगा ना होगा एक सेंटीमीटर में दस मिलीमीटर होगा तो दस है तो क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा ना कौनो एक हजार बता रहा है कौनो दुई हजार बता रहा है धन ने वो प्रभु आया कहा से तू लोग चलो मैं बता देता हूं आइए देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए देखिए ये चीज मैं आपको बताया हूं कि आप इसे याद कर लीजिए मिली सेंटी मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो ये बताया हूं ना सात होगा ना ये तीन तीन छत मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर अब साथियों ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो मैंने बताया था अगर नीचे से ऊपर में जाते हैं तो दस से गुड़ा करते हैं जितना स्टेप बढ़ते हैं हाँ तो ये जस्ट बगल में ही है पड़ोसी है तो दस से गुड़ा करेंगे यानी हम कह सकते हैं वन सेंटीमीटर इक्वल टेन एम एम इसलिए टेन सी एम इक्वल टेन इंटू टेन इक्वल हंड्रेड एम हंड्रेड एम एम ये कौनो हजार बता रहे हैं कौनो दो हजार बता रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं सुप्रिया समझ में आ रहा है फरहाना अंसारी फिजा खान अमित कुमार <coughs> प्रिया कुमारी प्रियंका ठाकुर सुप्रिया त्रिपाठी सबको समझ में आ रहा है ना पी के एन आपको भी आ रहा ना भैया क्वीन ऑफ हार्ट आपको तो आ ही रहा होगा आयुषी आप नए नहीं, नहीं हैं योगेंद्र सिंह वाली आईडी है अच्छी बात है कोई भी है मुझे नहीं पता कौन है आप बस आप हैं मुझे इसी से काफी तफल्ली है चलिए अगला बताइए नीचे वाला जो मैंने एक दूसरा वाला पूछा है उसका भी जवाब दे दीजिए आप लोग कोशिश कर लीजिए मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं पढ़ाना चाहिए ना रिवीजन ही तो हो रहा है हुं? कर लीजिएगा चलिए अब इसको ये थोड़ा कठिन भी बताना है बताना पड़ता है दीजिए मजेदार मजेदार करते हैं मजा जहां आती है इसमें सब में मजा नहीं आ रही मुझे खुद ही नहीं मजा आ रही आप लोग कपड़ोगे भाग जाओगे कुछ देर में तो स्क्वायर इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा अर्चना गुप्ता आएगा 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 नहीं तो जाएगा कहा कितना आएगा इसको कोशिश करके बताइए एक किलोमीटर में कितना मिलीमीटर सबसे बड़ा यही होगा ना आ, सबसे पहला आंसर आया है फिजा खान का आ, साना का भी आ गया दीपेंद्र का भी आ गया वंशिका कुशवाहा और सुप्रिया त्रिपाठी अभी इनके मुंह में पानी आ रहा है कुछ ललचा रही देख देख पता नहीं कहा मिल रहा है चलिए इसमें का का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नीचे ऊपर है नीचे ऊपर रहते हैं तो ये हो जाता है ऐसा का मल्टीपल हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा ठीक है आगे बढ़े अगला ध्यान दीजिए एक और बताइए ये बताओ भैया कि तीन यक्स का स्क्वायर वाई जेड अगर इसे हम यक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा बताइए रसगुल्ला मिल रहा है अच्छा है कितना आएगा बोलिए इससे इसको क्या करेंगे भाग करेंगे ये मैंने आपको बहुत पहले बताया है देखो भाई सिंपल सी बात है ये सभी एक एक घात के साथ हैं इनमें जिनकी जिनकी एक घात है वो खत्म हो जाएंगे और ये बचेंगे तो बचेंगे तीन एक्स कितना बचेगा थ्री एक्स बचेगा रचना साक्षा आकांक्षा गंगवार वंशिका प्रजापति और वंशिका कुशवाहा अर्चना गुप्ता ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड कृष्णा सिंह शिवानी उपाध्याय आयुसी राजपूत सही है सबका इसका मतलब आप लोग अच्छा कर रहे हैं ना आप लोग ये बताइए कि संख्या पंद्रह के कुल कितने अपवर्तक हैं कितने अपवर्तक हैं ये बोलिए बस पांच हैं या सात हैं या तीन हैं या दो हैं कितने अपवर्तक हैं इसके फैक्टर कितने हैं बताइएगा मैंने सिर्फ फैक्टर पूछा है प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन संख्या तीस के कितने संभव कुड़ज हैं यानी मल्टीपल बताइए संख्या थ्री जीरो थर्टी के कितने पॉसिबल मल्टीपल हैं सिर्फ नंबर बताना है बस आपको आंसर नहीं बताना है कौन कौन है वो नहीं मतलब है समझ रहे हो ना जैसे कहा जाए कि बताइए मोहित के कितने फ्रेंड हैं? है हा? तो आपको बता देना पंद्रह ये नहीं बताना है कौन कौन है है, अंसुआ है फलन्वा, फलन्वा, नाम नहीं बताना। समझ रहे हो ना जैसे कहा जाए कि सुप्रिया की कितनी सहेलियां हैं तो बता दीजिए एक सौ कई बस इतना ही तो करना है नाम नहीं बताना है संभव गुड़ज ठीक है आइए देखते हैं ट्राई करते हैं इसके अपवर्तक बताना है ना देखो पहले तो वन हो जाएगा मैं लिख देता हूं वन थ्री फाइव बस चार ही तो हैं कितने हैं चार ना तीन सौ के कितने संभोग उड़ज हैं देखिए इसके कौन कौन से संभोग उड़ज हो सकते हैं समझिए जैसे तीस को हम ऐसा लिख सकते हैं वन इंटू थर्टी अब बार बार तीस नहीं लिखूँगा ये लिख सकते हैं दस गुड़ा तीन लिख सकते हैं हाँ तीन गुड़ा दस लिख सकते हैं समझते जाना पाँच गुड़ा छः लिख सकते हैं छः गुड़ा पाँच लिख सकते हैं तीन दुना छः पंचे तीस ये भी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे आप इनके ढेर सारे फैक्टर कर वो गुड़ा लिख सकते हैं लेकिन आपको निकालना पड़ेगा कुल कितने हैं टोटल इनको आगे पीछे पीछे आगे करके उलट पलट के उठक पटक के सब करके चेक करना है तब निकालना है कितने होंगे समझ में आया ना हा और क्या क्या पॉसिबल है इनमें क्यों भाई आ, पांच गुड़े दो गुड़ा तीन ये भी तो पॉसिबल है ऐसे ऐसे आप ट्राई कर लीजिएगा ठीक है बहुत सारे हो गए जितने हो गए ट्राई कर लीजिएगा ये होगा आंसर ठीक है समझ में आ रहा है ना नहीं नहीं बाद में मत पढ़ा करिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसे मजे ले लेते हैं बाद में पढ़ते हैं टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा करके भी आप पांच मिनट का समय नहीं खरीद सकते हैं हाँ कहते गुरु जी ज्ञान की बात तो बहुत बड़ी बड़ी देते हो लेकिन कितना टाइम खुद बर्बाद करते हो सोचो हाँ तो भाई ज्ञान देना आसान है लेकिन खुद को उसमें रखना उतना आसान नहीं है इसलिए टाइम बचाइए लेकिन हाँ तो कौन पे चलते हैं क्या त्रिभुज पे चले त्रिभुज में चलें एक क्वेश्चन बता दीजिए इसमें से कुछ लोग हैं उसी तरह के आप ही लोगों से है क्वेश्चन थोड़ा सा अरबजा टाइप का है बीस अट्ठाईस पैंतीस एक सौ पांच चला भैया बतावा 35, एक सौ पांच सभी लोग मिलके एक लाशा बताओ का बतावा क्या लाशा यानी एलसीएम बताइए फटाफट ये हमारी अवधी भाषा है हमारे यहाँ की और हो का हाल बा ये बा नहीं सॉरी अगर बा लगा दिया तो फिर बिहारी कहें भोजपुरिया और हो का हाल चाल है ठीक ठाक आ पढ़ाई लिखाई सही चलती ना है कि तू लोग कमेंट में खूब बतिया मतलब बातचीत करता चलिए करके बताइए एक बार सेवन तो नहीं आएगा नाइन्टी सेवन तो नहीं आएगा अच्छा कितने लोग समझे ये लैंग्वेज जो मैं अभी बोला आप लोग को समझ में आ रही थी ना कि हम क्या बोल रहे हैं इनका एलसीएम आप लोग कर लीजिए फटाफट 420 आएगा कितना आएगा 420 आएगा ये आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो चार सौ बीस आएगा अरे बोलने को हर कोई ऐसे बोलता बोलता अपने घर में जहां रहता वहां पर ये तो घर से बाहर निकलता है तब तेरे का मेरे का करता है है ना? जैसे होता नहीं कुछ नए नए बच्चे हैं जो शुरू शुरू में शहर जाते हैं पढ़ने तो लौट के घर जाते हैं तो अपने साथी लोग से या गांव वाले से यही बोलते हैं आ? हम तो दिल्ली में पढ़ते हैं हाँ सुबेरे चार बजे उठ जाते हैं तो दादा सुनते हैं कहते हैं यहाँ करे का तेरा मेरा लगाया ससुर दो दिन बाहर चला गए मार अंग्रेज हो गए मतलब आप बोलोगे हिंदी लेकिन लोग क्या बोलेंगे अंग्रेज हो गए ये हम लोग का क्या है सोच समझा जो भी है बताइए इसको मत हटाइए चलिए अब कुछ और बताइए आप लोग एक से लेकर बीस तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं सॉरी भाज्य हैं वन से ट्वेंटी तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन है वन से ट्वेंटी तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं मतलब जो सिंगल सिंगल है डबल नहीं है समझ रहे हो ना इसमें से भी कुछ लोग सिंगल हैं कुछ लोग डबल हैं और कुछ लोग तो त्रिपल चौपल होंगे भाई भगवान जाने आइए चलिए बात करते हैं अभाज्य का मतलब क्या है यानी जो नंबर खुद से और एक से इन दोनों को छोड़कर और किसी से विभाज्य ना हो वो क्या होता है वो अभाज्य होती है प्राइम फैक्टर होते हैं एक तरह से ये लोग वफादार जोड़े होते हैं वफादार प्रेमी जोड़े होते हैं समझ रहे हो ना जो सिर्फ दो ही रहते हैं उनका रिलेशन दो ही में रहता है मतलब तुम मेरे मैं तुम्हारे बस और नहीं और जो भाज्य होता है ना वो बड़ा धोखेबाज टाइप का होते हैं वो तुम मेरे भी उनके भी उनके भी उनके भी, उनके भी बस एक दूसरे को पता ना चले समझ रहे हो कि नहीं जैसे अगर हम भाज्य अभाज्य की बात करें एक दो नंबर लेके तो देखो अगर मैंने सेवन ले लिया ना तो सेवन के वन और सेवन यही दो फैक्टर हैं बाकी और कोई फैक्टर नहीं है इन्हीं को मैंने वफादार बोला था ईमानदार अगर मैंने एक नंबर नाइन ले लिया ना तो भैया इनके दुई में नहीं है दुई में काम नहीं चलता है इनका वन भी है थ्री भी है नाइन भी है और इनके खतरनाक गुरु है इनको ले लिया अगर बारह को तो इनके उनसे भी ज्यादा हैं यानी इसका फैक्टर वन भी है टू भी है थ्री भी है फोर भी है सिक्स भी है ट्वेल्व भी है देख रहे हो कितना है छे। तो ये क्या है ये भाज्य संख्याएं हैं कंपोजिट नंबर हैं, या अभाज्य हैं। समझ में आया ना सही बोले हैं ना देखो जो लोग हरदम हंसते थे इस पे नहीं हंसे क्योंकि उन लोग को मालूम है सब ये बोला किसको जा रहा है हकीकत है ना यही चलिए चलिए पूरा नहीं मानिएगा ठीक है जिसका जितना चले चलाते रहिए कोई टेंशन की बात नहीं <coughs> आगे बढ़े अब इनमें अगर हम अभाज्य की बात करें तो वन तो ना भाज्य है ना अभाज्य है हाँ ये साधु संत इसमें नहीं आता है टू से स्टार्ट होता है टू थ्री आ, फोर नहीं होगा फाइव सेवन नाइन नहीं होगा एट नाइन टेन नहीं होगा इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन uh, नहीं होगा सिक्सटीन नहीं होगा सेवनटीन और नाइनटीन <coughs> ये इतने हैं <coughs> समझ में आया ना देखो अब कुछ लोग जो मैंने कहा नहीं हफ रहे हैं वो लोग झूठा ही जैसे कहते हैं नहीं कुछ लोग खिसिया जाते हैं तो झूठा ही से कर लेते हैं लगता कहाँ हफ रहे बस वही हाल है <coughs> चलिए आगे बढ़े अब मैं किसी को नहीं बोला मैं ऐसे ही बोला आप जो था वो समझ गया अंदर अंदर गरिया दिया लेकिन तेज से नहीं गरिया बस इतनी सी अच्छी बात है एक से बीस तक की सभी आप लोग अभाज्य तो जान गए इस तरह से आप भाज्य संख्याएं भी निकाल सकते हो है ना भाज्य भी ऐसे ही निकाल सकते हो आ, भाजकता नियम मैंने पढ़ाया है ना डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है ना <clears throat> सुनिए रुक जा भाई एक मिनट क्या यह संख्या तीन से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं बोलिए क्या यह संख्या तीन से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं क्योंकि मैंने विभाज्यता नियम बताया था मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है आप लोगों ने पढ़ा है बताइए यस या नो और अगर विभाजित है तो भाजक कितना आएगा वो सॉरी भागफल कितना आएगा भागफल कितना आएगा बताना जरा बताना भाई चलो कोशिश करते रहिए फटाफट कोई बोल रहा है यस शिल्पा केसरवानी अंशिका आशिता पंकज दीपेंद्र शिवानी फिजा खान स्टेटस फॉर यू चांदनी उर्वरसी ठीक है आप लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छी बात है अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ पढ़ा होगा रात के नौ बजे वाली तो मैंने पढ़ाया था कि यदि संख्या के अंकों का योगफल तीन से कंप्लीटली डिवाइड है तो ये संख्या तीन से पूरी तरह से विभाजित होगी अन्यथा नहीं होगी तो आप इनको जोड़ के देखिए कईस आएगा ना इसका मतलब विभाजित है ठीक है कुछ एक आध और बता दीजिए आप लोग एक दो और बता दीजिए छोटा सा क्वेश्चन है एक सर्कल है वृत्त हाँ इसकी त्रिज्या चौदह सेंटीमीटर है नहीं चौदह तो ज्यादा हो जाएगा क्यों ज्यादा हो जाएगा का नहीं चौदह सेंटीमीटर ठीक है तो इसकी परिधि बताइए कितना होगा सरकम फ्रेंड्स बताइए कितना आएगा सोचिए मैंने सब पढ़ाया है अगर आपने पढ़ा होगा ना तो ये सब अभी जल्दी में पढ़ाया कल ही पढ़ाया परसों कितना आएगा ईमानदारी से बताइए इसकी परिधि कितनी आएगी कौन बता रहा भाई पी के एन पी के एन ठीक है कोशिश कर लीजिए टू पाई आर इसका परिधि बराबर फॉर्मूला होता है आप सबको मालूम है हुँ? पाई कमान बाईस बटा सात रखो आर कमान चौदह रख दो तो भैया कट गया ये एटी एट आएगा सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा ठीक है समझ में आवत है ना भाई आ इधर आओ फिर हाँ ये बताइए ईमानदारी से बताइए अगर मैंने एक एंगल खींचा मतलब कोण इसको मैंने ऐसे खींचा ऐसे ऐसे खींचा ये बताइए ये नब्बे से बड़ा है या छोटा है देख के बताइए अगर मैंने इस पे एक एंगल खींचा यहां पर एक कोण बन रहा है तो नब्बे से ज्यादा है कम है झुका है ऐसे ज्यादा है या कम है चूंकि यहाँ पर तो कोण वगैरह खींचना सिखा नहीं सकते हैं बोर्ड में उसके लिए कॉपी में करना पड़ेगा वैसे मैं पिछली बार सिखाया था अब की बार भी बता दूंगा दीपेंद्र सुप्रिया शिवानी अरविंद यानी आप लोग पढ़े लिखे हो लिखे पढ़े नहीं हो सबको मालूम है ना ये 180 बता रहा है 180 नहीं होगा नहीं नहीं एक सौ अस्सी नहीं होगा अच्छा एक सौ अस्सी अंश के कोण को क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है एक सौ अस्सी अंश के कोण को बोलते क्या है इसका क्या नाम है मुझे लग रहा है कि आज मैंने टाइम है बिताया इसमें ना लेकिन क्वेश्चन तो बहुत प्रकार के हो गए कई तरह के हो गए एक में अनेक हो गए ना आप लोग वृत्त के कोई दो गुण बता सकते हैं सर्कल की कोई दो प्रॉपर्टी बताइए कोई दो गुण बताइए जिससे लगे कि हाँ ये सर्कल ही है समझ रहे हो ना जैसे हम कहें हमारे कोई दो गुण बताओ तो आप किसी से बताओगे हाँ भाई एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो पी स्टडी में पढ़ाता है और वो मैथ पढ़ाता है तो दो गुण हो गए ना हमारे एक तो पहला हो गया कि हम पी स्टडी में पढ़ाते हैं दूसरा मैथ पढ़ाते हैं लेकिन एक और खतरनाक गुण है कि सारी जिम्मेदारियां भी हमें संभालना पड़ता है इसको आप लोग नहीं जानते होंगे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ठीक है कोण भी बोलते हैं इसे ना ठीक है साथियों ठीक है ठीक है, है अच्छी बात है तो इतना देर में बहुत कुछ रिवीजन हो गया रिवाइज करते रहेंगे हम लोग अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए शाम को जो रात में नौ से दस क्लास चल रही है कितने लोग देख रहे हैं रात में नौ बजे से क्लास चल रही है कितने लोग देख रहे हैं जिनको मैथ नहीं आती है बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है क्या जाता है फ्री में पढ़ने में पढ़ लीजिए रोज रोज शाम को पढ़ लीजिए ठीक है जिनको नहीं आता बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है और साथियों एक चीज और आपको बता दें कुछ छात्र बहुत सारे सवाल करते हैं पढ़ाई से संबंधित अगर कोई प्रकार की आपको इंक्वायरी करनी है ठीक है विशेष रूप से अगर हमसे बात करना है क्योंकि बहुत से लोगों का मैंने देखा कंप्लेन रहती है शिकायत रहती है कि सर बड़के चौधरी हो गए बात नहीं करते हैं हमारे दोस्त लोग बतलाते हैं तो उनको करिया देते हैं मतलब दोस्त लोग नहीं, नहीं मतलब लड़कों में बहस हो जाती है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं लेकिन निवेदन है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज अगर आप रात में ये मैसेज करते हैं दस बजे से बारह बजे के बीच में ठीक है रात में दस से बारह बजे के बीच में तो इसका रिप्लाई हम ही करते हैं वैसे तो वास्तव में बारह बजे से रात एक दो बजे तक करते हैं हम ठीक है उसके बीच में देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है कैसे क्या लेकिन कोई ज़्यादा जरूरी है तभी करें नहीं तो जो सिंपल में नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे आप संपर्क करिए आपको बताया जाएगा क्योंकि अभी क्लास खत्म होगी ग्यारह बजे उसके बाद कुछ खाना पीना मिलेगा साढ़े ग्यारह बारह बज जाएगा उसके बाद एक आध दो घंटा देखेंगे कौन क्या किया है व्हाट्सअप में रिप्लाई कौन क्या किया है क्या कमेंट रिप्लाई किया काम क्या कौन किया कौन नहीं किया तो ये सब देखते हैं उस समय हम देखते हैं ठीक है समझ रहे हो ना तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं कम समय में अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको हम व्हाट्सअप पे डाउट का सुविधा भी देते हैं और प्लस अलग से भी पढ़ाई से संबंधित सपोर्ट मिलती है तो आप चाहें तो पी स्टडी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन भी कर सकते हैं ठीक है ठीक है बाकी डेली क्लास की सूचना के लिए मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट कर दे रहा हूँ आप उस लिंक से जा करके पी वी आर स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को डेली क्लास की सूचना मिल सके ठीक है तो देखिए लिंक में दे दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल की सभी साथी जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए ठीक है सभी का बहुत बहुत वेलकम है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है तो सभी जा करके पी स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर देखिए मैंने लिंक कॉपी कर दिया है लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में कॉपी कर दिया है किसी को कुछ कहना है क्लास से संबंधित तो बोलिए क्लास से संबंधित किसी को कुछ कहना है तो बोलिए चला जाए फिर बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को और क्लास को शेयर करके जाइएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा दीजिएगा अच्छा होगा ठीक है